ईश्वर के अनन्य भक्त आप सभी को रविराज का प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजा जनक और अष्टावक्र संवाद अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण में। कथम ज्ञानमवाप्तनोति कथम मुक्ति भरविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये सब आप मुझसे कहें। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्मा कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं है, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है, इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति के कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है, तब तक आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से ही होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं।
जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु उत्सुक होना भी अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप ज्ञान लाकर नहीं दे सकता। राजा जनक मुमुक्षु हैं, अर्थात व्याकुल हैं। उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, वे भ्रमित किया गया है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि पहुंचाई है उतनी इन अज्ञानियों ने नहीं पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से तीन प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, तथा वैराग्य कैसे होता है। तीन ही प्रश्नों के उत्तर में सारे आध्यात्म का सारा निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य तीन कारण हैं: स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहां मिलते हैं, जहां इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहां चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्वबोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्स्यूल में बंद कर उनके गले उतार दिया और तीन प्रश्नों का, तीन वाक्यों का समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता, यह प्रारंभिक शर्त है। सूत्र 2। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमाजर्वदयातोषम सत्यम पीयूषवद भज। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध हैं एवं गुरुपद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं, यदि तो मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट हो जाता है। इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं व अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वालों को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है, अतः यह विष के समान है। किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें
पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वो बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कह रही हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा दुख चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तो सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। यह विषय अनित्य हैं, अविद्याजनित हैं तथा क्षमा सरलता सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन करे तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। सूत्र 3। न पृथ्वी न जलम नाग्निनर वायुद्योर्न वा भवान एषां साक्षिणमात्मामं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर मन बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा व मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, तू घर नहीं है,
बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है, तो उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की भ्रांति, जो अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण हुई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं, यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो यह मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न हैं, तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। सूत्र 4। यदि देहं पृथक् कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, यह शरीर आदि मैं नहीं हूं, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहेगी, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उसे तादात्म्य छोड़कर, पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं, ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ
अहंकार जुड़ा है। अहंकार से वासना पैदा होती है। वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भिक तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्मभोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसे स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप, तप, मंत्र, साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां ही मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही है। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य न ही वसीयस्ति न ग्राम्यंतरमेव वा, अज्ञान हृदय ग्रंथिनाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में, गृह में, ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वो मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह कर्ता है ही नहीं, वह तो बस दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं उलझ सकता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र गीता का परम उपदेश है। सूत्र 5। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचर असंगो असि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर तू सुखी हो। अष्टावक्र जी ने तीन ही सूत्रों में राजा जनक के तीन प्रश्नों, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली ही है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है, न लिंग। ये चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। क्योंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे हो ही नहीं सकते।
इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानना ये विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं। यह नकद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है, तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार का एक क्षण में विनाश हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। सूत्र 6। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोक्ता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित हैं, आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत ही है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है, केवल जागकर देखना मात्र है, केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाती है, स्मरण लौट आता है। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर के भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं आदि। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है, यह अहंकार भी तेरी भ्रांति ही है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता। अपने को करता और भोगता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकार वश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है, उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा, व इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। सूत्र 7।
एकुं दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारं पश्यसि तरम्। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन ही तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्मा है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्मा है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है। अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थ पूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न हैं, परमात्मा व आत्मा भिन्न हैं, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग हैं। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है, सब उसकी मर्जी के अनुसार उसके आदेशानुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है, उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई मुस्लिम एवं ब्रह्म कुमारी वाले ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्मा जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं, कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे इस चैतन्य को प्रकृति का गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्मा है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, यही आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहां बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी नहीं है। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया, यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसका सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है, ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की बातें ही करते हैं, केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सकते हैं। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है,
बड़ी असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है, इसीलिए उसने ईश्वर को अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया है। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वमसि आदि, यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्मफल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। सूत्र 8। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा ही दंशितः, नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसीलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं कि भावना ही तुझे उस ब्रह्मा अथवा चेतन से अलग करती है। जब तक तेरे अहंकार में है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूं, करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूं, उपकरण हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्मा से हुई है, एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्मा है। आरंभ में इस ब्रह्मा में कामना का स्फुरण हुआ, एक हम बहुस्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाना चाहता हूं। इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। बाइबल की कथा है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वहां भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह शांत एवं सुखी हो सकता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूं,
ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना भी भरो यह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, इस दुनिया का सारा खेल अहंकार ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना इत्यादि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना, हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान है, मैं महान आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। यह शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं है, न ही कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं है। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य ज्ञान मनुष्य को दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखा रह सकता है, एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए तो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म से वह गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। वह भारत में इसी शैतान को मूल पाप माना जाता है, जो है अहंकार। अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि इसी की संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, वह इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इसीलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि इलाज भी बताते हैं। इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है, एवं निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो
पूर्ण विश्वास एवं निष्ठापूर्वक तो निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम अपने को एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो, सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो वह सुखी हो सकता है। सूत्र 9। एको विशुद्ध बोधो व्योहमिति निश्चय वहृना प्रजवाल्या ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भवः। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार पत्नी बच्चे कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांगकर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वह मार्ग से ही भटक जाता है, धोबी का गधा बन जाता है, न घर का न घाट का। किंतु अष्टावक्र विधायक हैं, वे कहते हैं अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम ही मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, दीप जलाने से ही अंधेरा दूर होता है। अष्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू निश्चय पूर्वक मान लो कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। सूत्र 10। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं चरम। जहां यह विश्व रस्सी के सर्प के समान कल्पित भासता है वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तो सुखपूर्वक विचर, अर्थात सुखपूर्वक भ्रमण कर। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है,
निराकार है, उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं व बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं व उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत वही चैतन्य आत्मतत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा जाता है। आज यह दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसीलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, यह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या घर में ही भूत दिखाई देता है? स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाता है। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही घर खाने दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दे गया। किसी के लिए यह संसार फूलों का बगीचा है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्र बड़े सुंदर हैं। तो कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है, उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, सब कुछ उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है? परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है। इसीलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा जाता है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों के ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़ी में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी यह कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है, ये वन, पर्वत, नदियां, झरने सभी हैं, ये जीव जंतु वनस्पति आदि सभी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है जो कभी मिल नहीं सकती। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूर श्रवण
आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है, सूर्य चांद सितारों से भी आगे की जानकारी ले आया है, बुद्धि का चरम विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वैसा इन 400 वर्षों में हो चुका है। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी 500 वर्ष पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जितने न्यायालय बढ़े, उतने ही जुर्म बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी, उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़े, उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि व उद्योगों का विकास हुआ, उतनी ही भूखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितनी अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती चली गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है जो कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इन वेन, द होम ऑफ ब्लिश इज विद इन यू। अर्थात सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। विवेक से इसका उपयोग करना है, किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ी जा रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसीलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक भ्रांति मिटेगी नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं, वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो। इससे तुम्हारी भ्रांति नहीं मिटेगी, वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि वह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो संसार नहीं है, न तो संसारी है, तेरे लिए भय का कोई कारण ही नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्यापक हो सकता है? तो ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तो सुखपूर्वक विचर, इस आत्मज्ञान से
तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत तो होता है, ज्ञान होने पर वह इस कल्पना भय से मुक्त हो जाता है। सूत्र 11। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धभिमान्यपि किं वदन्ती ह सत्येयम् यामति सागतिर्भवेत्। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहां यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंत मति सो गति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में भी यह कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी होता है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वो बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या बदला इत्यादि लेने की भावना से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार वासनाएं आकांक्षाएं इच्छाएं अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूं। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि मान भी ले कि मैं मुक्त हूं तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहां यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। सूत्र 12।
आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तिश्चिदक्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय है, शांत है, यह बस भ्रम के कारण बंधन ग्रस्त मालूम पड़ता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा से भिन्नता की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ नहीं करना है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता, यह पूर्ण है। ब्रह्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, अतः आत्मा भी ब्रह्मा जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 10-10 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होती। ब्रह्मा एवं आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज पूर्ण है, इसीलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्मा एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं हैं, आत्माएं अनेक भी नहीं हैं। जिस प्रकार आकाश व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह, खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्मा का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न नहीं है। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है, यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं कर्ता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से सब हो रहा है, इसमें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार
सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है। इसका कोई संगी, साथी, बेटे, पोते, परिवार, मित्र आदि नहीं है। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है, न द्वेष। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती। न कोई इसके राजदरबारी हैं, न फरिश्ते, न इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निःस्पृह भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं हैं। न यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है, न क्रोधित होकर दंड। यह शांत है, गंभीर है। इसमें कोई हलचल होती ही नहीं। इसमें कोई तरंग उठती ही नहीं। यह उद्धेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। सब उसकी मर्जी से हो रहा है। उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा। अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसा दिखाई देती है। जैसा संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। ये सारी बातें अज्ञान एवं भ्रम के कारण दिखाई पड़ती हैं। सूत्र 13। कूटस्थम बोध मद्वैत मात्मानं परिभावयः आभासोहं भ्रम मुक्त्वा भावं ब्रह्ममथांतरम्। मैं अभास रूप हूं, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। आगे अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभा स्वरूप है। इस आभा स्वरूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे भीतर ही है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है वह भीतर भी है। तू केवल इस कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर इत्यादि। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाकर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूं व आत्मा कहां है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ नहीं करना। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह थोड़ी समझने की है।
मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है, इसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और हैं। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, और तीसरा आत्म जगत अर्थात साक्षी जगत है। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है, वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है, यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान कर्म व भक्ति तीन मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत, यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है, यही लक्ष्य है। ज्ञान कर्म व भक्ति मार्ग हैं, तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग तीन मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, न कर्म न ज्ञान न भक्ति, सीधी साक्षी की बात कहते हैं, यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह मन बुद्धि अहंकार जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वहां भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अहंकार का भ्रम है, इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है, ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान्न ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार और साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में काम लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र किसी विधि का उपयोग नहीं करते, वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप मिट जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदमी से पूर्व भी था, धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है, वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता,
वह नई परंपराएं बनाता है, इसीलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काटे गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एक आधा ज्ञानी कैसे रह सकता है? जहां अज्ञानता वरदान हो, वहां बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसीलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया व उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कुटस्थ यानी स्थिर कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है, परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती है। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी व ज्यों ज्यों केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह ज्यों ज्यों धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहां यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से ही मिलती है। पहिया धुरी से बंधकर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र मंदाकिनी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे मूढ़ ही हैं। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त दैवी। शक्ति दोनों के पास है किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा कुटस्थ है जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीन शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। सूत्र 14। देहाभिमान पाशेन
चिरं बद्धो असि पुत्रक बोधोहं ज्ञानखण्डेनं तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है, उसी पाश को मैं बोध हूं इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो जा। अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है, यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है, उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पाश में बंध गया है, तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही तू बंधा हुआ है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है, इसीलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूं, बोध मात्र हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर तुम मुक्त हो, सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है, वहां एलोपैथी की कोई दवाई काम नहीं करती। भूत का इलाज भोपे ही कर सकते हैं, वहां बाबा जी की धुनी की राख ही काम देगी, डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से दूर होगा। रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते। सूत्र 15। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः समाधि मनुतिष्ठसि। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन अर्थात निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है, अतः तू जहां है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्वबोध द्वारा ही निवृत्त होता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम मात्र है। ब्रह्मा की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है। नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं करनी चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वास्थ्य तो पहले से ही उपलब्ध है, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य हो जाते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है व उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। अतः तू समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि यह प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी हुई है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं है। यह वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे दोष कैसे लग सकते हैं? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह न पापी है, न पुण्यात्मा, न साधु है, न असाधु। जिस शरीर व मन ने कर्म किए, वे जा चुके। तू दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। सूत्र 16। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोक्तं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूप पस्त्वं मा गमः क्षुद्र चित्तताम। यह संसार तुझमें व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र इसमें आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए, संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्मा है, एवं यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है, इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है, इसका स्पंदन तेरा ही स्पंदन है, इसकी धड़कन ही तेरी धड़कन है, इसका फैलाव ही तेरा फैलाव है, इसकी चेतना तेरी ही चेतना है, इसका सौंदर्य तेरा ही सौंदर्य है, इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है, सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है, उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्मा इसके विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, जो इसका एक रस नियम है, जिससे इसमें एक तादात्म्य दिखाई देता है। वह तेरे ही चैतन्य स्वरूप के कारण है, जिससे यह सृष्टि है, तू भी उसी में है। जैसे यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, तू भी वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अतः तू अपने को शरीर आदि समझकर शुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, एवं आत्मा
भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है। इसीलिए सब में एक सूत्रता है। आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञान है, किंतु अपने को शरीर मानना महाज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ अपने को शुद्र चित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। स्वामी राम तीर्थ इसीलिए अपने को बादशाह कहते थे। सूत्र 17। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरशुद्धो भव चिन्मात्र वासनः। तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, शोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला बन। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। तू विकार रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म हैं, शोक और मोह मन के धर्म हैं, तथा जन्म और मरण ये देह के धर्म हैं। आत्मा इन सबसे परे है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है। इसी के कारण तू अपने को परमुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण सब राजनीति है, जो मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है, मनुष्य की दैविक प्रतिभा का दुरुपयोग है। इनमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही गुण है। तू अगाध बुद्धि रूप है, तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है, और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे शुद्ध बनाए हुए है, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं प्रकृति को महत्व दिया है, इसीलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता, वरना आत्मा में क्षोभ कहां। इसीलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र केवल निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा, कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है, वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। सूत्र 18। साकार मनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परम चैतन्य तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसीलिए इसमें वास्तविकता नहीं है।
है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है, वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे बैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता, आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है, इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्म रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट भी हो जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं, उनमें विश्वास न कर। उस नित्य ब्रह्मा में विश्वास करने वाली की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए तो झोपड़े में कौन वापस आना पसंद करेगा? अष्टावक्र कहती हैं, इस साकार जगत में मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है। सूत्र 19। यथैवाद शर मध्यस्थे रूपे अंत परितस्तु सह तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र इसमें आत्मस्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है। उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूत्र 20। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्मा सर्वभूत गणो तथा। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं
कि संसार में सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्मा वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्मा व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था, किंतु इस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है, अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए हैं, शरीर में उसे परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है, यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसे स्थिति होती है इसे समझा जा सके। उस समय मनुष्य घबराए नहीं, यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूं तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब ज्ञान मिलता है। बाहरी पदार्थों को छोड़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं बेकार हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होता है व आत्मा असत्य प्रतीत होता है। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र इसीलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह उपदेश इतना सार गर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उनकी पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में ही होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां प्रथमं प्रकरणं समाप्तम्। प्रिय श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि राजा जनक और अष्टावक्र संवाद, अष्टावक्र गीता का यह पहला प्रकरण आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको भी आत्मबोध में यह सहायक सिद्ध होगा। मिलते हैं दूसरे प्रकरण में, तब तक मैं लूंगा आपसे विदा। हरिओम।